ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गए इस हादसे में उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमिर बुदुल्ला, हियान की भी जान चली गई ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति रईसी और अन्य लोगों के जीवित होने के कोई संकेत नहीं है हालांकि हेलीकॉप्टर का मलबा जरूर मिला है सरकारी मीडिया के मुताबिक दुर्घटना स्थल एक दुर्गम घाटी में स्थित है सरकारी मीडिया को बताया गया है कि सोमवार सुबह होने पर बचाव कर्मियों ने करीब दो किलोमीटर की दूरी से हेलीकॉप्टर को देखा और उन्हें हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया ईरानी राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान की यात्रा पर थे रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेब के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे ये तीसरा बांध यानी डैम है जिसे दोनों देशों ने अरास नदी पर बनाया है जब अजरबैजान से रईसी लौट रहे थे तभी उनका हेलीकॉप्टर बिल 212 क्रैश हो गया यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अजरबैजान भी मुस्लिम बहुल देश है यहां भी ईरान की तरह ही शिया समुदाय की बहुलता है मगर अजरबैजान का इजराइल का समर्थक माना जाता है राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता ayatollah अली खमेनी का उत्तराधिकारी भी माना जाता रहा है इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था रईसी के पिता एक मौलवी थे लेकिन रईसी जब सिर्फ पांच साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर तर गए रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था पूर्वी ईरान के मशद शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है वे कम उम्र में ही ऊंचे औहदे पर पहुंच गए थे अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कोम शहर में स्थित एक श्रिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रिजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया था बाद में अरतल्ला रूहाल खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल उन्नीस में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित करास का महाअभियोजक के दूसरे नंबर के 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 वकील नियुक्त किए गए थे साल 1989 से से बीच रईस तेहरान के महा रहे और बाद 2004 से अलग एक दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ भी रहे साल 2014 की बात है जब वो ईरान के महाभियोजक भी, भी बनाए गए थे ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते रहे हैं उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला का करीबी माना जाता रहा है वो जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए चुनाव अभियान के दौरान रईसी ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रचारित किया था कि वो रूहानी शासन के दौरान पैदा हुए भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से निपटने के लिए सबसे अच्छे विकल्प है इब्राहिम रईसी शिया परम्परा के मुताबिक हमेशा काली पगड़ी पहनते थे जो ये बताती है कि वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हो उन्हें हजरतुल्ला इस्लामी यानी कि इस्लाम का सबूत की धार्मिक पदवी भी, भी दी गई थी इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने न्यायपालिका में काम करना शुरू किया और कई शहरों में वकील के तौर पर काम किया इस दौरान उन्हें ईरानी गणतंत्र के संस्थापक और साल उन्नीस में ईरान के राष्ट्रपति बने आयतुल्ला रोहोला हुमौनी से प्रशिक्षण भी मिल रहा था महज़ 25 साल के थे तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकार के दूसरे के दूसरे नंबर वकील बन गए। बाद में वो जज बने और साल उन्नीस में हुफिया ट्रिब्यूनल्स में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है इन ट्रिब्यूनल्स ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल की सजा काट रहे थे इन राजनीतिक कैदियों में से ज्यादातर लोग ईरान में वामपंथी और विपक्षी समूह मुजाहिदीन लेकिन मानवाधिकार समूह का कहना है कि इनमें लगभग पांच हजार पुरुष और महिलाएं शामिल थी फांसी के बाद इन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था मानवाधिकार कार्यकर्ता इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताते हैं इब्राहिम रईसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार किया है लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के के फतवे मुताबिक ये सजा नेताबिक थी भारत और ईरान के बेहतर संबंध में में इब्राहिम रईसी का बड़ा योगदान रहा उनके समय में ही पोर्ट को विकसित करने के लिए भारत और ईरान के बीच समझौते हुए और कई अन्य समझौते भी हुए चेहबहार पोर्ट के समझौते को पूरी दुनिया में चीन के मिडिल ईस्ट पर बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया है इब्राहिम रेसी की मृत्यु के बाद अब ये देखना होगा कि इस घटना पर वहां की सरकार और सुप्रीम लीडर की, की। क्या प्रतिक्रिया रहेगी क्या ईरान के इतिहास के मुताबिक रेसी का परिवार भी निर्वासन में चला जाएगा या उनके परिवार के लोगों की राजनीतिक पकड़ सरकार पर बनी रहेगी